नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को मिला विशेष दर्जा हटाने के लिए वैधानिक प्रस्ताव पास। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विकास के लिए 370 हटाया जाना जरूरी। टिहरी जिले में स्कूल जाते समय वाहन के खाई में गिरने से 9 स्कूली बच्चों की मृत्यु, 10 अन्य घायल। वहीं चमोली जिले में बस के ऊपर बोल्डर गिरने से 6 की मृत्यु। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आउटकम और रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के दिए निर्देश। सचिवालय में वन, कौशल विकास और श्रम विभाग की समीक्षा की। और लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों में जनजीवन हुआ प्रभावित। नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से प्रशासन ने सावधानी बरतने की दी सलाह। कई जगह यातायात भी हुआ बाधित। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में आज अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा हटाने के लिए प्रस्ताव पारित हो गया है। सब्जेक्ट टू करेक्शन, मत विभाजन का परिणाम हाँ 351, ना 72, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, सामाजिक संकल्प स्वीकृत हुआ। प्रश्न एक ही विधेयक पर विचार की, आइटम नंबर 13, प्रश्न एक ही विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, अब मतदान। अब मैं मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ करूंगी। आप ध्यान से गोंग की आवाज सुन ले, उसके बाद दोनों बटन दबाएं, उसके पहले नहीं। सदन में चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने से वहां विकास को गति मिलेगी। उन्होंने अनुच्छेद 370 को अलगाववाद को बढ़ावा देने वाला बताते हुए गरीबी और बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद वहां शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। जो 370 का समर्थन करते हैं वो दलित विरोधी है, ट्राइबल विरोधी है, महिला विरोधी है, विकास विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, और जो 370 का समर्थन करते हैं वो आतंकवाद, गरीबी, शोषण और अशिक्षा का समर्थन करते हैं। मैं और मेरे नेता नरेंद्र मोदी की सरकार इसका समर्थन नहीं कर सकती। मैं सदन को कहना चाहता हूं कि आइए फिर से एक बार सोचें। बहुत जल्दी है वो रास्ते पर। वो रास्ता हमारे लिए मुबारक नहीं है। वो रास्ते पर 40,000 लोग जान गवा बैठे, 41,000 लोग जान गवा बैठे। वो रास्ता छोड़े मोदी जी और इस सरकार जो नया रास्ता लेकर आई है, इसके रास्ते पर आगे बढ़े और घाटी, लद्दाख और जम्मू तीनों की जनता को आजादी के बाद जैसे सब प्रदेश के अंदर विकास हुआ है, सब प्रदेश के अंदर संपत्ति बढ़ी है, उनको भी वो अधिकार दे और साथ अर्थ में भारत के साथ जुड़ने का मौका दे। प्रदेश में आज दो अलग अलग सड़क हादसों में 9 स्कूली बच्चों सहित 15 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हो गए। टिहरी जिले में प्रतापनगर ब्लॉक के लमगांव मदन नेगी मोटर मार्ग पर सुबह लगभग 7:30 बजे कंगसाली गांव के निकट बच्चों को लेकर स्कूल जा रहा वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया, जिसमें सवार 9 बच्चों की मृत्यु हो गई जबकि 10 अन्य घायल हैं।
घायलों को 108 सेवा के माध्यम से जिला अस्पताल नई टिहरी में भर्ती कराया गया है, जहां 5 बच्चों की गंभीर स्थिति को देखते हुए एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया। एक अन्य घायल बच्ची को परिजन पहले ही श्रीनगर ले गए थे। दुर्घटना में घायल 5 बच्चों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है, उनका जिला अस्पताल में ही इलाज चल रहा है। CMO डॉक्टर भागीरथी जंगपांगी ने बताया कि मृतक बच्चों का घटनास्थल पर ही SDM प्रताप नगर की देखरेख में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। वहीं दुर्घटना की सूचना मिलने पर SDRF पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। 5 बच्चे का थोड़ा क्रिटिकल था, उसका हमने 4 बच्चे को हमने दिल्ली के थ्रू भेज दिया गया है एम्स ऋषिकेश के लिए, और एक बच्चे को बाई रोड हमने भेज दिया। 5 बच्चे को हमने ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर कर दिया गया है, और 5 बच्चे अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी इनका स्टेबल है बच्चे, और उनका डॉक्टर नियंत्रण मॉनिटर कर रहा है। हम लोग इनका डायरेक्शन दिए थे, आप लोग प्रॉपर इसका ऑब्जर्वेशन में रखें, प्रॉपर ट्रीटमेंट करिए। और इसके अलावा हम फील्ड में जो बच्चा मृत्यु हो गया है, उसका हम लोग पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई हम फील्ड में ही कर रहे हैं उधरी अस्पताल। दूसरी घटना चमोली जिले में हुई, जहां आज सुबह बद्रीनाथ हाईवे पर लामबगड़ के निकट यात्रियों की बस पर बोल्डर गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची SDRF पुलिस प्रशासन की टीम और स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। पहाड़ी से लगातार बोल्डर गिरने से रेस्क्यू करने में परेशानी का सामना भी करना पड़ा। बताया जा रहा है कि ये बस बद्रीनाथ से जोशीमठ लौट रही थी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सड़क हादसों में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया है। इसके लिए एम्स ऋषिकेश में उनकी भर्ती के लिए डॉक्टर एम्स को घायलों का इलाज प्राथमिक कार्यालय कर रहे हैं, और दूसरा उनको हेली रेस्क्यू के लिए बोल दिया गया है। मौसम थोड़ी देर पहले वहाँ ख़राब था, लेकिन फिर भी जो हमारा स्टेट हेलीकॉप्टर है, दूसरे हेलीकॉप्टर उसके लिए जो हमारे सचिव हैं अपने के लिए, उनको बोल दिया गया है। जो भी जरूरत है उसकी कोई कमी उनके लिए ना है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आउटकम और रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समीक्षा बैठकों के कार्यवृत्त उसी दिन तैयार हो जाने चाहिए, जिसके तहत आज की बैठक का कार्यवृत्त कल सुबह उनकी टेबल पर पहुंच जाना चाहिए। आज सचिवालय में मुख्यमंत्री ने वन, कौशल विकास और श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने CM डैशबोर्ड उत्कर्ष में विभागों के लिए की प्रोग्रेस इंडिकेटर में निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। वन विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने मानव वन्य जीव संघर्ष के सभी लंबित प्रकरणों को मार्च 2020 तक निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेड़ कटान से संबंधित सूचनाओं को ऑनलाइन किया जाए। कौशल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने ITI में उद्योगों की मांग के अनुरूप ट्रेड रखे जाने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत और मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश से नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से नदी किनारे बसे लोगों को प्रशासन ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। बागेश्वर जिले के कपकोट और गरुड़ क्षेत्र में भारी बारिश होने से सरयू और गोमती नदियां उफान पर है। भारी बारिश से जगथाना मोटर मार्ग पर 3 पुलिया बह गई और दर्जनों जगहों पर मार्ग बंद होने की सूचना है। उधर प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट करने के साथ ही अवरुद्ध मोटर मार्गों को खोलने में लगा हुआ है। देखिए, अभी जनपद में कल रात से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी तक जो बारिश के आंकड़े हैं तो कपकोट में 150 mm के करीब बारिश हो चुकी है, और गरुड़ में 60 mm बारिश रिपोर्टेड है, और बागेश्वर में भी 18-20 mm के करीब बारिश रिपोर्टेड है। और अभी हमारी जो कांडा तहसील है दुगनापुरी काफरीगर, वहाँ से भी
काफ़ी बारिश की सूचना प्राप्त हुई है। इस तरह से हमारी जनपद में काफ़ी बारिश लगातार हो रही है और अभी तक जो हमारा NH है वो तो खुला हुआ है, कहीं से भी बंद नहीं है। जो हमारी SH है, जो कपकोट बागेश्वर रोड है और ग्वालदम वाली जो रोड है, तो ये भी बंद हो गई है, लेकिन JCB भेज दी गई है और एक आध घंटे में खुलने की उम्मीद है। और हमारी जो MDR है, जो विलेज रोड है, वो हमारी 18 विलेज रोड अभी बंद है। उधर चमोली जिले में गैरसैंण ब्लॉक के पत्थरकाटा तोक में अतिवृष्टि के कारण पहाड़ों से भारी मात्रा में मलबा गांव में आ गया। अतिवृष्टि से 6 पैदल पुलिया, 4 गौशालाएं, प्राइमरी स्कूल का एक हिस्सा और कृषि भूमि क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि जनहानि की कोई सूचना नहीं है। वहीं चंपावत जिले में कल रात से हो रही बारिश से राष्ट्रीय राजमार्ग 9 चलथी, स्वाला और धौन में मलबा आने से बंद है। लगातार बारिश के कारण मार्ग खोलने में भी प्रशासन को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से शारदा नदी सहित जिले की सभी नदियां और नाले उफान पर हैं और मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। देश भर में निवास कर रहे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत कश्मीरी छात्रों और नागरिकों की सुरक्षा की कारगर व्यवस्था करने को कहा है। साथ ही सोशल मीडिया में प्रसारित होने वाली विरोधाभासी खबरों का संज्ञान लेने और उन्हें रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश मिलने पर ADG लॉ एंड ऑर्डर अजय अंशुमन ने बताया कि सभी जिलों के कप्तानों को सुरक्षा संबंधी तैयारियां पुख्ता करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। देखिए, उत्तराखंड में बिल्कुल सामान्य स्थिति है। जैसे मैंने बताया, कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। कहीं से कोई भी चीज़ अप्रिय समाचार की सूचना नहीं है। हम लोग पूरी मुस्तैदी बरत रहे हैं। जनपद के प्रभारी सब सुनिश्चित करेंगे, हमने निर्देश दिए हैं, उनके पास जो भी अवेलेबल फोर्स है उसके जरिए ये मुस्तैदी बरतेंगे। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को मिला विशेष दर्जा हटाने के लिए वैधानिक प्रस्ताव पास। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विकास के लिए 370 हटाया जाना जरूरी है। टिहरी जिले में स्कूल जाते समय वाहन के खाई में गिरने से 9 स्कूली बच्चों की मृत्यु, 10 अन्य घायल। वहीं चमोली जिले में बस के ऊपर बोल्डर गिरने से 6 की मृत्यु। रावत ने आउटकम और रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के दिए निर्देश। सचिवालय में वन, कौशल विकास और श्रम विभाग की समीक्षा की। और लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों में जनजीवन हुआ प्रभावित। नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से प्रशासन ने सावधानी बरतने की दी सलाह। कई जगह यातायात भी हुआ बाधित। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।